Welcome back to my channel Rick Harris. So today I'm going to show you my makeup tutorial on Valentine's Day. वैसे तो मैं सिंगल हूँ बट मेकअप तो कर ही सकती हूँ ना, क्योंकि जैसे सबको लगे कि मैं भी वैलेंटाइन डे मना रही हूँ इसलिए मैं मेकअप कर ले रही हूँ. तो मैं आपको इसमें अपना मेकअप दिखाऊंगी. इस वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट्स नहीं दिखाने वाली, मैं आपको ये दिखाने जा रही हूँ कि मैंने मेकअप कैसे किया है, कैसे आईलाइनर लगाया है और मतलब सारी चीजें कि मेरा मेकअप क्या रहेगा, फाइनली मेरा मेकअप वैलेंटाइन पे क्या रहेगा, बस वो मैं दिखाने जा रही हूँ. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो मेकअप को स्टार्ट करेंगे तो मेकअप में सबसे पहले हम प्राइमर का यूज करेंगे. आप कोई भी प्राइमर यूज कर सकते हैं. ये जब भी मैं मेकअप ट्यूटोरियल बताती हूँ तभी मैं ये बोलती हूँ कि आप कोई भी प्राइमर यूज कर सकते हैं. हाँ, तो आप कोई भी कंपनी का प्राइमर यूज कर सकते हैं. बहुत ही कम अमाउंट में मैं प्राइमर यूज कर रही हूँ. प्राइमर है उसको हमें बिल्कुल लेयर की तरह नहीं लगाना है, क्योंकि कुछ लोग प्राइमर को एज अ फाउंडेशन यूज कर लेते हैं. मतलब कि इतनी मोटी लेयर लगा लेते हैं कि वो अलग से दिखती है और फिर उनका फाउंडेशन खराब हो जाता है, बेस खराब हो जाता है. तो इसकी कम क्वांटिटी में ही प्राइमर को यूज किया जाता है. ओके, सो नेक्स्ट में हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे. सो अब मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ तो मैं ये फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. ओ सॉरी, मुझे प्रोडक्ट नहीं दिखाना था कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ. मैं इसको छिपा लेती हूँ. आप मेकअप को स्टार्ट करने से पहले लिप बाम लगा सकते हैं जिससे कि आपके लिप्स ड्राई ना हो. और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप फाउंडेशन या प्राइमर लगाने से पहले मॉइस्चराइजर का यूज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी स्किन ड्राई हो सकती है. बट मेरा स्किन टाइप नॉर्मल है, इस वजह से मैं बिना मॉइस्चराइजर के भी अपना मेकअप स्टार्ट कर लेती हूँ. मुझे मॉइस्चराइजर की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती. अब हम अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे. तो ये ब्लेंडर है, इससे मैं अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर ले रही हूँ अच्छे से. तो फाउंडेशन देख सकते हैं अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया है. और अगर कहीं रह जाता है तो हम वो बाद में ठीक कर लेंगे. एंड उसके बाद हम कंसीलर लगा रहे हैं. मेरी आईज के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं और मेरी आईज का टेक्सचर ही कुछ गड्ढे टाइप का है, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ और मुझे कंसीलर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. अब कंसीलर को भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ. तो कंसीलर भी अच्छे से अप्लाई हो गया है एंड ब्लेंड भी हो चुका है. सो अब कंसीलर के बाद आई मेकअप करने जा रहे हैं. इसमें आई शेडो और जो भी कुछ लगाना है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी आँखों को कैसे डेकोरेट करूँगी. तो आई मेकअप करने के ऊपर से रेड जैकेट पहना है एंड इसके अंदर ब्लैक है इनर, और जो मैंने इसके नीचे बॉटम पहना है वो भी मेरा ब्लैक कलर का है. मैं इसके इनर में मरून या फिर रेड शेड का यूज़ कर रही हूँ और इसके आउटर कॉर्नर्स में मैं ब्लैक शेड का यूज़ करूँगी. तो मैं यहाँ पर रेड या मरून शेड का आई शेड यूज़ कर रही हूँ. सो ये रेड रेड हमने लगा लिया है. हम थोड़ा सा स्मोकी लुक देंगे, उसके लिए हमें दूसरे ब्रश की भी ज़रूरत पड़ेगी. तो स्मोकी लुक देते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पर ये ब्लैक शेडो यूज़ कर रही हूँ. और जो ब्लैक शेडो है उसको हमें रेड के साथ ब्लेंड करना पड़ेगा अच्छी तरीके से. ये देखिए एक साइड का मेरा हो चुका है एंड ये मेरी सेकंड साइड रह गई है. अब ये मेरी दूसरी साइड रह गई है, इसको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ. अब
बताइए क्या मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया है। मुझे क्या करना है, अब मैं आईलाइनर का यूज़ कर विंग्स निकालूंगी। अभी मैं अपने विंग्स निकालूंगी और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरे चेहरे पर ये आईलाइनर के जो विंग्स होते हैं ये मेरे चेहरे पर अच्छे लगते हैं या नहीं लगते। तो ये आप मुझे कमेंट में बताइए जिससे कि मैं आगे जो मेकअप करूं उसमें मुझे हेल्प मिले। मेरा आईलाइनर लग चुका है, आप देख सकते हैं मैंने आईलाइनर लगा लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए गाइस वैलेंटाइन है तो हमें कोई पार्टी में तो मतलब पार्टी करेंगे छोटी मोटी, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शादी वाला ही, तो वैसे नहीं होने। इसलिए हमें थोड़ा सा नेचुरल लुक में रहना है। हमें अपनी आईज को थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए मैं यहाँ पर व्हाइट काजल का यूज़ कर रही हूँ। मेरी जो आईज हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी लगे। और अब इनको ठीक करने के लिए, नॉर्मल बनाने के लिए हमें मस्कारे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने अपर लैशेस एंड लोअर लैशेस को मस्कारे से कंप्लीट करते हैं। जल्दी जल्दी से मस्कारा लगाते हैं। क्या कमी रह गई है, एक ही कमी रह गई है लिपस्टिक की, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यूजिंग द रेड डार्क शेड लिपस्टिक। लिपस्टिक भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें बनाना है अपना हेयर स्टाइल। ऐसा भी अच्छा लग रहा है, बट मैं अपने हेयर्स को ओपन कर लूंगी और एक हॉरर मूवी की विलेन बन जाती हूँ। इसको मैं अपने हेयर्स में लगा लेती हूँ। इसको मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है, हेयर बैंड्स। और ये तो हेड बैंड है, बट मैं हेयर बैंड लेकर आती हूँ और उनसे मेरे पंगे होते रहते हैं और वो टूट जाते हैं और फिर मुझे अपनी मम्मा की डांट पड़ती है क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी नए हेयर बैंड लाने की बोलती हूँ उनसे। बट डांट पड़ने की तो अब तो आदत सी हो गई है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। इसलिए ये मैं कपड़े वाला लेकर आई हूँ, ये टूटेगा नहीं, बट मैं इसको फेंक दूंगी और फिर ये गायब हो जाएगा। फिर मुझे अपनी मम्मा से डांट पड़नी है, कोई बात नहीं खा लूंगी डांट। अब बताइए मुझे कि मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है आपको। आई नो कि आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये मुझे भी अच्छा लग रहा है। और आपको मेरा हेयर कलर कैसा लग रहा है, और अगर आपको मेरे हेयर कलर की वीडियो देखनी है तो मैंने अभी पोस्ट नहीं की है, अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको हेयर कलर की वीडियो देखनी है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आप पहले मुझे ये बताइए कि मेरा मेकअप आपको कैसा लग रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है, और हो सकता है शायद मैं इतनी तैयार होकर जाऊं तो मुझे कोई प्रपोज कर दे वैलेंटाइन डे वाले दिन। इसलिए मैंने ही मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये मेकअप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो पता ही होगा क्या करना है, लाइक करना है, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर। नहीं गलत हो गया। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिकेलिस। नहीं जल्दी।
नहीं प्रॉब्लम, और अगर मेरी आईज के नीचे बहुत सारे सो आई एम यूजिंग द डार्क शेड ट्रिप, सो आई एम यूजिंग द रा सो आई एम यूजिंग द